राधे गुरु जी, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे मतलब मैं कृष्ण भगवान जी की पूजा करती हूँ सब तरह से, बहुत मतलब वो मुझसे खुश है, मैं उनसे खुश हूँ, तो मतलब ये ख्याल ये आता है कि ये ज्यादा मेरी सुनते नहीं है, मतलब कौन कृष्ण भगवान जी आपकी नहीं सुनते? नहीं, प्यार बहुत करते हो मुझसे, पर जैसे मतलब मैं कह रही हूँ मुझे अनुराग मतलब आप गुरु जी की मुझे कथा सुननी है आपकी, तो उन्होंने नहीं भेजा उनसे, मैंने मतलब 15 दिन पहले बोला, पर लेकिन जो बोला राधा रानी ने आज ही मुझे सारी चीजें मतलब आपकी करवाई, जैसे प्रसाद वितरण है वो मतलब आपसे मतलब आपके जरिए से करवाया, और मतलब आपकी देखो संवाद में भी शामिल करवाया मुझे, और कथा भी देखो मैंने 1 घंटे की आपकी सुनी। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि मतलब जैसे मतलब या मेरी भावना है या कुछ भी समझ लो, पर मेरी राधा रानी मतलब बहुत अच्छी तरह से सुन लेती हैं। तो राधा रानी माँ है ना, माँ ज्यादा सुनती है बाप की अपेक्षा। हाँ, और मेरा क्वेश्चन ये है गुरुजी कि जैसे जाने अनजाने में छोटा मोटा भी कोई पाप हो जाए, तो मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मतलब वो हम किस जरिए से मतलब वो पाप का मतलब थोड़ा बहुत मतलब उसकी सामान्य जो पाप हैं वो तो हमसे रोज होते हैं। हाँ। जैसे चलने में चींटियों का मर जाना, झाड़ू लगाने में जीवों का मर जाना, है ना, तो ये पाप जो रोज होते हैं, यह रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से और घर में बैठ के सुबह जो हम भगवान जी को नहवाते हैं, पूजा करते हैं, भगवान का चिंतन, उस भगवत चिंतन से दिन भर के जो छोटे मोटे सामान्य पाप हैं वह पाप नष्ट हो जाते हैं सुबह की पूजा से। और कुछ पाप ऐसे हैं कि मजबूरी में हमें इंसान से मतलब हम ना करना चाहे तो हमें मतलब जानबूझ के करने भी पड़ते हैं। जैसे मतलब अब थोड़ा बहुत है कि कोई मतलब आना चाह रहा है तो मतलब कोई ऐसी समस्या आ गई है, तो मतलब माँ को ही बुरा लग गया, मतलब मेरी माँ को ही बुरा लग गया, तो मजबूरी ऐसी थी, मतलब कुछ भी कैसी मुझे बता नहीं सकती मैं, पर अब आप समझ सकते हो तो बता दो। तो मतलब जाने ना यही मतलब अपमान वाली बात कह रही हूँ, जैसे पाप तो हुआ ही है मुझसे, तो उससे मतलब वो किस जरिए से मतलब भुगतान करूँ मैं? अब देखो जो गलतियाँ हो गई हैं, अब वह गलतियाँ दोबारा ना हो यह भी पाप का प्रायश्चित है। अच्छा, वो दोबारा ना हो। अच्छा। और हम अपने जीवन में देखो गलतियाँ सबसे होती हैं, गलतियाँ सब करेंगे, गलतियाँ कर करके सुधारना है, जो हो चुकी वो दोहराना नहीं है, आगे बढ़ते चलना है, तो पीछे की गलतियाँ क्षमा है। ये सामान्य गलतियाँ तो बोलने बतलाने में देखो हो ही जाती हैं, है ना, बाकी कोशिश ये करो कि गलतियाँ दोहराई ना जाए। ठीक है, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी, हम बिहार शेखपुरा से बिलोंग करते हैं गुरु जी। एक साल से हमारी पत्नी जो है आपकी कथा से जुड़ी हुई है, लेकिन हम भगवान मैंने भक्ति की ओर उतना नहीं थे, लेकिन अब कुछ दिनों से 2-4 महीने से जो है इतना प्रेरित हमें करते रही, तो हम अब कुछ जो है मतलब भक्ति की ओर मेरी लगाव बढ़ते जा रही है। और हमारे घर में थोड़ा सा खासतौर पर पति पत्नी में भी कलह ज़्यादा रहता है, कुछ न कुछ के चलते थोड़ा थोड़ी बातों के चलते तनाव बना हुआ रहता है, तो हम चाहते हैं पोथी पाठ मतलब बैठाने के लिए हम 2 बार काउंटर से, हम साधारण परिवार से बिलोंग करते कोई हैं। बात नहीं, आप बात कर लीजिएगा जी, तो उतना अभी है नहीं कि मतलब आप कोई हाँ, बात बस ये जो है चीज जो है थोड़ा सा पति से बात करना चाहते हैं। कहाँ जी, एक सेकंड। गुरु जी श्रीमन नारायण जी। मैया जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, हम आपको देखकर बहुत प्रसन्न हो गए, मैं लॉकडाउन से आपकी कथा सुन रही हूँ, जिसमें मुझे बहुत खुशी हुई। आप मुझे मैंने आपको अपना भाई बना लिया है। सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। YouTube पर अभी थोड़ी देर में ही 94 लाख लोगों का परिवार पूरा होने वाला है, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा गुरु जी। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं, और फिर अभी हम आपको बधाई देंगे यदि आप जुड़ जाएंगे तो। राधे राधे गुरु राधे, जी राधे। गुरु जी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपके चरण छूना चाहती हूँ, आशीर्वाद चाहती हूँ। खुश रहिए, खुश रहिए।